सीपीआईएम के 3 शीर्ष नेताओं और 150 पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। ये 3 शीर्ष नेता हैं पूर्व मंत्री बादल चौधरी, पूर्व मंत्री रतन भौमिक और पूर्व विधायक माधव साहा। उदयपुर के एसडीपीओ हिमाद्री प्रसाद दास ने कहा कि पुलिस हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि यह रैली बगैर अनुमति के निकाली गई थी। अगर बगैर अनुमति के कोई राजनीतिक पार्टी रैली निकालती है तो पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। वैसे भी सीपीआईएम ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। बीते 24 जुलाई को वामपंथियों के देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करते हुए त्रिपुरा में भी सीपीआईएम ने रैली निकाली। 136 आरकेपुर 2018 और सेक्शन हलो 147 149 182 IPC एंड त्रिपुरा पुलिस एक्ट सेक्शन 82 हमरा पुट करेछि। एक्स मिनिस्टर बादल चौधरी, एक्स मिनिस्टर रतन भौमिक, एक्स MLA माधव शाह एवं एखानकार जे लोकल लीडर मानिक विश्वास प्लस और अन्यान्य प्राय 150 जन एक्यूज्ड हिसेबे विवेचित होयेछे। हमरा अलरेडी ओदेर मेन जारा बादल चौधरी ओदेर हमरा नोटिसो दिए देवा होयेछे। बीते 24 जुलाई को सीपीआईएम की रैली के दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों के हाथों घायल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की सुधले ने गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार गोमती जिला अस्पताल पहुंचे। वामपंथियों के देशव्यापी विरोध का समर्थन करते हुए बगैर अनुमति के निकाली गई त्रिपुरा सीपीआईएम की रैली पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। पूर्व मंत्री बादल चौधरी, रतन भौमिक और पूर्व विधायक माधव साहा इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। मीडिया को संबोधित करते हुए माणिक सरकार ने कहा कि आज गणतंत्र संकट में है। उदयपुर की घटना इस बात का प्रमाण है कि किस तरह लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है। এখানে পুলিশের তো দুর্বলতা থেকেই গেছে, তো এটা দেখবে পুলিশের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ কেন এই ঘটনাটা ঘটতে পারলো, কেন এটাকে তারা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করলেন না, এটা হওয়া উচিত না। পুলিশের কাছে আমাদের বক্তব্য থাকবে, পুলিশ কোনো দলের না, পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করতে পারে এটাও দেখা কিন্তু পুলিশেরই দায়িত্ব। আইনের শাসন যেমন তারা মানে বলবৎ করবেন, এই আইন যাতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ হাতে নিতে না পারে সেটাও তাদের দেখার দায়িত্ব আছে। কাজেই পুলিশকে ভবিষ্যৎ দিনে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্য কা মুখ্য মোটর স্ট্যান্ড হ্যায় চন্দ্রপুর, জো কি অন্তরাজ্য বাস টার্মিনাস ভি হ্যায়। चंद्रपुर से बसें धर्मनगर, उदयपुर, अम्बासा, कमलपुर, खोवाई और राज्य के अन्य स्थानों तक जाती है, लेकिन आजकल स्टैंड पर यात्रियों की संख्या बहुत कम देखी जाती है। लंबे समय से स्टैंड पर खड़ी खड़ी ही कई बसें नष्ट हो चुकी है। बस मालिकों का कहना है कि जब से शहर में ट्रेन सेवा शुरू हुई है तब से यहाँ यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। यहाँ तक कि सड़कों की खराब हालत भी इसकी जिम्मेदार है। ये रेल परिसेवा आ गया, उसका वजह से हम लोगों का बहुत मुश्किल हो गया बिजनेस करना, क्योंकि जितना पैसेंजर है, नज़दीक वाली हो, दूर वाली हो, सभी पैसेंजर रेल का तरफ भाग रहा है। हम लोग नया नया तरीके का गाड़ी भी निकल रहा है, लेकिन उन लोग पैसेंजर का हम लोग का गाड़ी का तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री तथा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के छात्र इकाई के प्रभारी उगेंटी ग्यात्सो ने सिक्किम के केंद्रीय विश्वविद्यालय को आड़े हाथ लिया है। पर्यटन विभाग के सभागार में आयोजित SDF के छात्र इकाई के समन्वय बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में प्रवेश मुद्दे को लेकर ग्यात्सो को सख्त रवैया अपनाते देखा गया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में स्थायी छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता, ऐसे में यूनिवर्सिटी का क्या फायदा, इससे तो अच्छा है कि इसे बंद कर दिया जाए। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री ले दर बदर माथा टेके हिड़े को आए सीन दट सीन मैं देखे त्यो SU में राज करने SU में राजनीति करने पर्सनली भन्न पर्यो भने आई एम अल्सो अगेंस्ट दिस सिक्किम यूनिवर्सिटी। हमी प्रैक्टिस करने मं हो, हमी वी डू बिलीव इन दिस। हमी एवं रेकमेंड कर पढ़ाए चिठी फेक्,
त्यसकारणले भनेको आई एम अल्सो एगेन्स्ट दिस एसयू।